छोटी मोटे चीजें जब होती है, आप तो ऊपर हैं हम सबसे, हम नीचे हैं, तो हमारे ऊपर पहला हाथ आप ही का आता है क्योंकि हम नीचे रहने से। तो ये जो है सर, आज तो आपका पूरा अटैक मेरे प्रिय है, आप मूल मुद्दे से भटक गए। नहीं नहीं, आप खुद देखेंगे कि आपने क्या कहा है अब तक, विषय से बिल्कुल भटक गए सर। नहीं नहीं, दूर दूर तक चले गए साहब, ये तो समय। और देश की जनता उम्मीद करती थी कि यहाँ से ऐसा मैसेज जाएगा कि आगे का रास्ता कैसे होगा। जैसे साहब आपने खड़गे जी कहा, कौन बोल रहे हैं, यू मस्ट लर्न टू बी डेकोरस, ही इज इल्डेड। पहली बार सदन में कुछ डेकोरम हो रहा है तो परेशानी क्यों होनी चाहिए। You will get the chance, sir. You are a very senior member. You will get the chance. Sir, I agree. We may skip the lunch at Microsoft's request. Good idea. It's a good idea. Yeah. But that I will do at 1 o'clock. खड़गे जी, मैं माननीय सदस्यगण को अपील करूंगा, और लगातार मैंने ये बात कही है और गहन चिंतन और मंथन के बाद कही है कि कब तक हम पास्ट प्रेसिडेंट को लेकर हाउस को डिस्टर्ब करते रहेंगे, कब तक हम डिस्टर्बेंस को जस्टिफाई करते रहेंगे। आप अंदाजा लगाइए खड़गे जी, मेरे पर क्या बीत रही होगी जब आप बोल रहे थे कि मुझे बोलने नहीं देते हो आप। मैं इतना आकलन करता हूं और दुखी होता हूं कि जहां पार्टिसिपेशन हो सकता था वहां आप लोग थे नहीं। मतलब आप अंदाजा लगाइए, इफ लीडर ऑफ द अपोजिशन वुड राइज ऑन दिस क्रिटिकल ओकेजन टू सैंक्टिफाई डिस्टर्बेंस डिस्ट्रप्शन, आपने खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कोट किया है, वहां तो कभी नहीं हुआ। जयराम जी, दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। नो, यू आर अ विक्टिम ऑफ दिस हैबिट। डोंट हैव दिस हैबिट। नो, दिस इज नॉट अ, व्हेन द ऑनरेबल एलओपी हैज यील्डेड, व्हाई आर यू बीइंग सुपर एलओपी? यू कांट बी, ही डजंट नीड असिस्टेंट। नो, यू वॉन्ट टू लिसन टू हिम, but it is regulated by the chair, otherwise come and sit here and control it. Sir, every time I have no desire to sit there, even if you have there is a mechanism. Sir, you are constantly interrupting. Please take your seat. So Mananiya Khadge ji, this is a rare historic occasion where after taking note of 75 years we are required to unfold a vision for next 25-50 years. I know it, what he knows. And in the entire discourse you have focused on two things, sir. The problem is when there is time to participate, I have seen absence. The problem is when an issue has to be debated, discussed, deliberated, you have walked out of the house. Problem is the chairman. This is wrong from your part, sir. दिग्विजय जी, एक अरे बैठो यार,
Digvijay ji, with my modest understanding, I can tell you, and I am a great judgment of myself. I self-judge. Exactly. I can tell you, I am not a stakeholder in politics. I am certainly stakeholder that this upper house, the House of Elders, conducts itself in a manner so that it earns respect of others. So we must dignify our conduct by decorum discipline. Sir, thank you, sir. क्या टॉलरेंस है? अच्छा बस आपने थैंक यू तो कहा। सर सभापति जी मैं अब ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अब टेंशन में आ रहा मामला। तो सर हम बहुत दिन से ये कोशिश कर रहे हैं, सभी की इच्छा है कि महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है। आज तक हमने सब कोशिश की लेकिन अब मैं समझता हूँ आप जब आप ये मुद्दा उठाएंगे तो जरूर आपके बात को मान्यता वो दे देंगे। तो मैं आंकड़े इसलिए देता हूँ थोड़े से। सर सभापति जी, दुनिया बदल गई है। इस समय राज्यसभा में 10% और लोकसभा में 14% महिला सांसद है। विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% है। 1952 में नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में पहली लोकसभा में केवल वो भी 5% सांसद महिलाएं थी, लेकिन 70 साल के बाद भी आज 14, 15, 10 के अंदर ही है महिला थी। तो अमेरिकी मैं और भी आंकड़े देता हूँ कि महिलाओं को दूसरे जगह भी ऐसा ही हो रहा। अमेरिकी संसद में 2%, ब्रिटेन में 3% महिला सांसद थे। आज अमेरिका की संसद में 28% और ब्रिटेन में 33% महिला सांसद आज है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस महिलाओं का जो बिल है इसको आप ये कर दीजिए। और दूसरी चीज, अनएम्प्लॉयमेंट की बात चल रही कि क्योंकि इस 75 साल में हम जब बात करते हैं इधर इधर अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, 8 करोड़ लोग एजुकेटेड वो आज रास्ते पे हैं। और इन्फ्लेशन तो सब बढ़ रहा है, आपको मालूम है। वो कोई टमाटर डाल के आए तो आपने बहुत उसको डाटा, वो हकीकत थी 400 रुपये, 500 रुपये। शायद आप मकान में नहीं पूछे शायद कि आजकल टमाटर की, प्याज की, तेल की, दाल की क्या कीमत है। वो हिसाब आप नहीं पूछ रहे क्योंकि पूरा जिम्मेदारी उनको वहाँ छोड़े और बाकी का जिम्मेदारी आप यहाँ लिए, इसीलिए ज़रा मुश्किल होगा उनका। लेकिन ये जरूरी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है। yes. नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा डेमोक्रेसी। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ती गई तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। इसीलिए मैं आपसे विनंती करता हूँ कि इन चीजों को कुछ उत्तर दे। सिर्फ हमने वो किया, ये किया, ये ठीक है, G2 ठीक है, G2 क्या G20 सर? नहीं, क्योंकि वो जीरो में कमल का फूल ही दिखता था। अब देखिए साहब, वो आप देखिए, वेरी गुड बॉस। हाँ, आप देखिए, वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट, आपका स्तरीय नहीं है, तो मेहरबानी करके G20 की मजाक मत उड़ाइए। G20 बहुत, अरे मजाक नहीं भाई, लेकिन देखो शायद, लेकिन सर शायद माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, उनको तो सिर्फ 2G दिखता है, 1G एंड संजी, दो ही चीज दिखता है। अरे ये देखो सर, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूँ, देश की जब बात आती है उसमें हम सब लोग एक है, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन तुम बार बार वो गुत्ता मत लो, तुम भी पेट्रियॉट हो। पेट्रियॉट हमारे लोग हैं, जान हमारे लोग दिए,
मर गए हमारे लोग, मजा आप उठा रहे हो और हमको सिखाते हो। सर आखिरी आखिरी एक बात कहके आज आप बहुत एजिटेटेड हो, मैं खत्म करता हूँ। नहीं आज आप बहुत एजिटेटेड हो, आप बहुत गुस्से में हो आज। नहीं नहीं ना ना सर, हमारी वतन परस्ती के अनगिनत तारीखे हैं, हमारी वतन परस्ती के अनगिनत तारीखे हैं, बेशुमार खिस्सा है। हो भी क्यों ना वतन से मोहब्बत, हो भी क्यों ना वतन से मोहब्बत, ये तो हमारे ईमान की हिस्सा है। तो धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम दिया। आपने खड़गे जी, आपने आज पढ़े शुरू में और आखिर में, और पहले भी पढ़ा था जब माननीय वेंकैया नायडू जी का फेयरवेल था, और आपने कहा मौसम कैसा होगा, कितना सताएगा। नहीं नहीं उसी आज का आपका एटीट्यूड देने के बाद रियली मौसम फिर जो पीछे गया, पहले का जो था वो आ गया।